हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग सिनेमन टर्मेरिक सोप बनाएंगे। ये सोप 100% नेचुरल और इफेक्टिव है, जो कि हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाती है। ये हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा फेयर बनाती है और साथ ही इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने को भी बचाती है। ये हमारे डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है। ये हमारी स्किन पर से डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को दूर करती है और साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारे फाइनलाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करती हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, ये सोप इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरीके के एक्ने और पिंपल्स हैं तो उन्हें तो एकदम जड़ से ही ख़त्म कर देती है। तो आइए स्किन वाइटनिंग सिनेमन टर्मेरिक सोप बनाना शुरू करते हैं। सिनेमन टर्मेरिक सोप बनाने के लिए मैंने ये 60 ग्राम सोप बेस ले लिया है। ये आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये मैंने आधा छोटी चम्मच सिनेमन यानी कि दालचीनी का पाउडर ले लिया है। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। ये मैंने 1 चम्मच ग्लिसरीन ली है। और लास्ट में मैंने एक विटामिन ऑयल का कैप्सूल ले लिया है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें आधा छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर डालेंगे। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारे एक्ने, पिंपल्स और ब्लैक हेड्स को क्योर करती है। और साथ ही इसमें माइल्ड एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारी डेड स्किन को रिमूव कर स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सफल बनाती है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करती है। ये हमारे स्किन टोन को इवन तो बनाती ही है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रेडिएंट हो जाती है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज कर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सफल बनाती है। और अब हम लास्ट में इसमें एक विटामिन ऑयल का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ऑयल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके तो आप भी इसमें विटामिन ऑयल का कैप्सूल ज़रूर ऐड करें। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम ये सोप बेस लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह कट करेंगे। तो यह हम इसे बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे ताकि हमारी सोप ईजिली मेल्ट हो जाए, या फिर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, उससे भी ये सोप बहुत ईजिली मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सोप को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और नेक्स्ट मैंने ये सिलिकॉन का सोप मोड ले लिया है। ये भी आपको ऑनलाइन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, और इसे परचेज करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम एक भगोने में पानी लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में उबाला जाएगा, तो अब हम इसमें इस तरह एक पैन रख देंगे और इसमें कट करा हुआ सोप बेस डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसे चम्मच से इस तरह लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो यह सोप को मेल्ट करने के लिए मैं डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रख कर भी मेल्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखेंगे कि हम इसे डायरेक्ट गैस पर मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सोप अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें दालचीनी का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे भी सोप बेस में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यह मिक्सचर डालने के बाद ध्यान रखेंगे कि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, हमें इसे जस्ट मिक्स करना है। तो यह मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा सोप का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे तुरंत ही सोप मोड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यह मैंने सोप के मिक्सचर को मोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी सोप अच्छे से सेट हो जाए। तो ये लगभग 1 घंटे बाद मैंने मोल को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। हमारी सोप भी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो अब हम इसे इस तरह डिमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि हमारी सोप कितनी ईजिली बाहर आ गई और कितनी स्मूथ बनी है। ये सिनेमन टर्मेरिक सोप आपकी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाती है। ये आपकी डेड स्किन रिमूव कर आपके ओपन पोर्स की समस्या को दूर करती है। ये हमारे डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइंस, रिंकल्स और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करती है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारे एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम तो एकदम जड़ से ही ख़त्म हो जाती है। तो आप भी इस 100% नेचुरल और इफेक्टिव सोप को एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है।
तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।